ये अभियान चल रहा है और अगस्त महीने में प्रतिदिन मतदाता के रूप में हमें लोगों को जागरूक करना है, अपने मोहल्ले में, अपने घर के पास कम से कम 4 लोग परिवारों को आप जागरूक करते चले। जो भी 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल के होने वाले हैं उनको मतदाता के रूप में अपना नाम संबंधित BLO से जाके जुड़वा लें और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी मोबाइल से आप लोग अपना नाम, अपने परिचित का नाम किसी का भी जुड़वा सकते हैं। उसके लिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र, फोटो और जो परिचित व्यक्ति है घर का, जो परिवार का जिसका मतदाता बना हुआ है उसका लगकर आराम से हो जाएगा। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी आप जुड़वा सकते हैं और नहीं तो BLO के माध्यम से फार्म 6 भर के भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता बनने के बाद आपका पहला काम ये है कि जब भी मतदान होता है तो आप संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें और अधिक से अधिक लोगों को, अधिकतम लोगों को, 100% लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग मतदान करने के लिए। सरकार ने इसका उद्देश्य ये होता है कि जो दिव्यांगजन है, जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उन बुजुर्ग के घर पर मतदान के लिए मतलब कि EVM मशीन आ जाएगी और उनसे वहीं पर घर पे वोट कास्ट करा जाएगा। तो आप उन बातों का अगर प्रचार प्रसार करें, पिछली बार भी हुआ था, इन्फॉर्म करेंगे तो 80 साल की ज्यादा उम्र में है तो, और ट्राई साइकिल का आज भी अभी न्यूज आई है कि आज भी सरकार ने ट्राई साइकिल खरीदने के लिए राजस्थान में टेंडर दे दिया है और हर मतदान केंद्र पर ट्राई साइकिल मिल चुकी है। वो भी जिससे दिव्यांगजन को आराम से पहुंचाया जा सकता है संबंधित मतदान। तो युवा है आप लोग, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के लिए विधानसभा चुनाव और जब बाद में उसका होता है पूरे देश के लिए लोकसभा का चुनाव, तो दोनों चुनाव में मतदान करें और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें और जाति, धर्म, समाज इन सबसे परे हटकर निरपेक्ष रूप से आप अपना मत प्रदर्शित करें। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की जो मंशा है उसमें भागीदार बने और अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।